वही मैंने जैसा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तो अब इंटरव्यू खत्म करें इससे पहले सिर्फ दो छोटी छोटी जानकारी चाहूंगा। एक तो ये कि अब जिससे हमने बात शुरू की कि अब दरअसल हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है जी, क्या कुछ प्लान्स हैं आपके, क्या आप अपनी अपने बच्चों जो बच्चे हैं अयोध्या के उनको सिखाना चाहते हैं, कुछ को आप सिखा भी रहे हैं मुझे आपने बताया, किस तरह से जो आपकी ये प्रतिभा सामने निकलकर अचानक आई है उसका विस्तार कैसे हो, कैसे ये बहुत लोगों तक पहुंचे और आपका जो हुनर है जो आपकी साधना है वो हम सब लोग के अलावा दुनिया भर तक पहुंचे, उसका क्या प्लान है? सबसे पहले मैं अपना बुनियाद मजबूत करना चाहता हूं जी। अवधी घराना मृदंग से नवाजा स्वामी श्री पागलदास जी ने, इसके बाद कंठ गायन प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरे अयोध्या को संगीतमय बनाया जाए, इसके बाद बाहर से जो आएंगे उनको भी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अयोध्या घराने को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। और बस आखिर में अगर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या बात। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी शुभकामनाएं, हमारी संस्था की तरफ से शुभकामनाएं, आप अयोध्या में संगीत के प्रचार प्रसार को लेकर। एक चीज कहना चाहूंगा, जरूर जरूर, कि राग नहीं सुर नहीं तो असुर होगा, सुर नहीं तो असुर होगा, लय नहीं तो प्रलय होगा, आलाप नहीं तो विलाप होगा। क्या ये पूरे भारत को समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आप। जय श्री सीताराम। तो आपको शुभकामनाएं और कहीं भी जहां हमारी जरूरत हो हम आपके लिए हाजिर हैं।